लेकिन नाटक में जब म्यूजिक का इस्तेमाल होता है तो नाटक की भावनाओं को किस तरह से वो उजागर करता है, वो उसकी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि बहुत सारे जो रंगकर्मी हैं उसको बहुत गुण देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो अगर आप जिस मैंने आप पिछली बार भी देखा था, आपने जब लाइव प्ले किया था कीबोर्ड से, तो ऐसी सी जगह आपने स्ट्रोक मारे थे, यूँ लग रहा है जैसे कि आपके मन के जो भाव उभर रहे हैं ना उसको आपने तरंगे दे दिए। हाँ, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक माय रिएक्शन टू द परफॉर्मेंस। लाइक मारे में ये क्या कर सकते हैं, ये जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अचानक से अगर इनको अभी कीबोर्ड दे दिया जाए तो उसमें भाव लेके आते हैं और फिर मेरी प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी अनाउंसमेंट भी ऑल ऑफ अ सडन परफॉर्मेंस होने लगता है। ये मेरी अनाउंसमेंट को भी लिरिकल बना देते हैं। चलिए मकरंद, अगर आप इनको वोट वोट ऑफ थैंक्स वाला क्या बोलते हैं उसको, वोट वोट ऑफ थैंक्स होता है, वोट ऑफ थैंक्स में इनको पियानो लेके बिठा दीजिए आप, आप देखिए वोट ऑफ थैंक्स भी ऐसे हो जाएंगे जैसे आपको लगेगा कि ये भी तो नाटक ही चल रहा है। मकरंद भाई, आप लेखक भी हैं और जितने प्लेयर्स हमने आपके देखे हैं अब तक, उसमें आपने जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयों को अलग तरह से उसमें आपने प्रस्तुत किया है। नॉर्मली जिसको आम आदमी उसको अलग दृष्टि से देखता है, लेकिन आपने उसको बहुत गहराइयों तक ले जा करके उसको उसके अर्थ को समझाने की कोशिश की है। तो इतनी कठिन सच्चाई को आप इतनी सफाई से अपने लेखन में कैसे पेश कर पाते हैं ताकि लोगों तक कोई बिल्कुल डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाती है? इसका कारण बहुत पहले मैंने अपने आप से कहा था कि मैं नाटक जो क्लासिक लिखे गए हैं या जो बहुत अच्छे नाटक हैं जो मैंने देखे हुए हैं, वो मैं अपने निर्देशन के साथ उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करता। तब जवाब ये था कि मैं एक जीवन मेरे सामने रखा हुआ या परोसा हुआ भी तो जी रहा हूँ, तो वो जीते जीते जो कुछ सवाल सामने खड़े हुए हैं उसके जवाब ढूंढते ढूंढते अगर नाटक लिख दिए गए या नाटक लिख गए तो क्या वो कविता ना होगी? और अगर वो कविता होगी तो वो सहज होगी। जैसे वो बहुत ही साधारण पंक्तियाँ हैं जो, पर कितनी बड़ी पंक्तियाँ हैं उदय प्रकाश जी की, आदमी मरने के बाद सोचता नहीं, आदमी मरने के बाद बोलता नहीं, पर कुछ ना बोलने पर कुछ ना सोचने पर आदमी मर जाता है। जब इतना बड़ा फलसफा आप कुछ लाइनों में कह सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि नाटक अगर आपके जीवन के साथ जुड़ा है तो जीवन जो एक महाकाव्य है उसको लिखने में सहजता आ ही जाए। और जैसे कि आज का जो नाटक है वो है विश्वास, फेथ, श्रद्धा, स्थान, भगवान। अब मानो तो ये महाकाव्य है, महाकल्पना है, और जो ना मानना चाहे उनके लिए जोक है। मानो तो ये कहानी मेरी है, मानो तो ये कहानी तुम्हारी है, मानो तो हम सबकी है, और ना मानो तो बस एक जोक है। तो अब मुझे कई बार आप देखिए, आप एक उम्र तक पहुंच जाने के बाद इतना जरूर होता है कि आपके पास कई सारी घटनाएं हादसे इकट्ठे हो ही जाते हैं। हो सकता है कुछ आपके हो सकता है कुछ आपने पढ़े हुए हो सकता है आपके पड़ोसियों के साथ घटे हुए हो। तो जब वो सब आपके साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है, एक संवाद सा निर्माण हो ही जाता है। और उस संवाद को जब हम दूर से देखते हैं तो आपको मंचित नाटक नजर आता है। मुझे लगता है इस क्रिया के साथ रहना, ये पूरी जो एक यात्रा है उसके साथ रहने में ही मजा है। और मुझे इसलिए कभी भी नहीं लगता कि सब्जेक्ट मुश्किल है, लेकिन जीवन तो जी रहे, अंदर से जी लो तो आसान है, इसलिए शायद आसानी होती होगी। सच बताऊं तो क्षितिज जो अभी एक किरदार कर रही है इसमें, बताना नहीं चाहिए नाटक देख रहे हो, लेकिन वो जो किरदार कर रही है इस नाटक में रियल है, लेकिन उसमें कल्पना का अंश है।
बताना चाहिए? नहीं बताऊंगा, लेकिन आप पता चलेगा आपको कि एक नाटककार को कुछ कहने के लिए इस किरदार की जरूरत पड़ती है, और उस किरदार बड़ा सा कौन, अरे असीम, आ जा कम सॉरी बट एक्टर ज्यादा ही आ रहे हैं, हम लोग नाटक यही करते हैं, अब लोग यहाँ आ चुके हैं तो पहला अच्छा चलो अच्छा ये है असीम हटंगड़ी। ये अभी मजेदार बात ये है कि हम लोग जो बात कर रहे थे अबाउट ये कितना कमीना है, ये ट्रेंड एक्टर है कह रहा है, तो हम लोग जो बात कर रहे थे और ये बहुत हम लोग जो बात कर रहे थे ऑफ लीनेज अगेन इज सन ऑफ जयदेव हटंगड़ी सर एंड रोहिणी दाई, रोहिणी हटंगड़ी एंड अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट कमिंग फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रॉम सो ही इज बट द कॉम्बिनेशन ऑफ मराठी एंड हिंदी एंड सो एनी वे आई थिंक आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्षिति एंड मैं क्षिति से कहना चाहूँगा कि इफ शी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इज अ वेरी सिंपल थिंग वॉट इज शी इज गोइंग थ्रू इज दैट शी इज पार्ट ऑफ एवरी डे एक्टिंग वॉट आई मीन बाय टेलीविजन पर नॉन स्टॉप उसका एक शो कितने सालों से चल रहा है, 9 सालों से उसका शो चल रहा है, 9 साल से चल रहा है, लेकिन उसके बीच भी वो नाटक कर रही है, तो ऐसा क्या है उसको जो मिलता है, या गिल्ड के मारे कर रही है? प्लीज हाँ ये बताइए। गिल्ड के मारे तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, नाटक सीरियल जो है मुझे मेरी रोजी रोटी देता है, और जो मुझे चाहिए, मुझे मेरे ब्रेड के साथ मेरा बटर चाहिए, तो मुझे टीवी करना है, और नाटक मेरे लिए वो करता है जो सांसें देता है, दैट गिव्स यू फ्रेश एयर, मतलब रोज़ रोजी रोटी तो मिलती रहेगी, अब बंद कमरे में आप जी नहीं पाओगे, तो फ्रेश एयर जो है वो नाटक देता है, एंड स्पेशली मैक्स सर के साथ, सो वो है नाटक मेरे लिए, वो तो करना पड़ता है डेली सोप जो भी अच्छा है, तो एक अलग तरीके की एक्टिंग, आपके पेशेंस बहुत लगते हैं उसमें, और एक्सपेरिमेंटेशन थोड़ा कम होता है जो नाटक करने मिलता है, नाटक में करने मिलता है, तो नाटक फ्रेश एयर है, टेलीविजन रोजी रोटी है, दोनों बहुत ज़रूरी है। नेहा जी आप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। एक्चुअली आई जस्ट मेंशन्ड इट टू शी कम्स फ्रॉम वी कैन से दैट शी बिलोंग्स टू मराठी रंगमंच एंड फॉर सेवरल इयर्स एंड हर फैमिलीज एंड व्हाट मे बी इफ शी वांट्स टू से समथिंग दैट फ्रॉम मराठी टू हिंदी व्हिच शी इज वर्किंग डिड शी फाइंड एनी डिफरेंस इन द वे ऑफ वर्किंग इफ शी वांट्स टू से बिकॉज ही हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन दैट आई I'm part of Marathi and Hindi, so what are the differences and all? And maybe if you want to say, please. भाषा तो पहले बहुत कठिनाई थी क्योंकि पूरी की पूरी मराठी हूँ मैं, मतलब अभी बात करते वक्त भी समझ में आ जाएगा शायद कि ये मराठी है, तो थोड़ी भाषा में कठिनाई आती थी शुरू में। मकरंद सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, मतलब ये लोग तो 7-8 साल से ये नाटक कर रहे हैं, मैं अभी 2-2.5 साल पहले मैंने शोज शुरू किए हैं, तो ऐसे प्रॉपर रिहर्सल की प्रोसेस सब एक्टरों के साथ मुझे नहीं मिली, लेकिन सर के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो कुछ ऐसा है कि वो डिक्टेट नहीं करते आपको, वो बस आपको उस स्पेस में छोड़ देते हैं और उसके इर्द गिर्द सब चीज़ें आपको बताते रहते हैं कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में, और ऐसा लगा कि अगर सरेंडर कर दे पूरी की पूरी तरह और विश्वास रखे, तो बस उनका हाथ थाम लिया तो वो आपको बस लेके जाते हैं अंदर अंदर लेके जाते हैं, जितने शोज़ होते हैं आप अंदर ही चले जाते हैं, और जैसे आपने कहा दर्शकों के बारे में कि एक मिनट भी वो यहाँ वहाँ नहीं देख सकते, तो ये मैंने भी महसूस किया है एज एन एक्टर कि एक मिनट के लिए भी वो मुझे ये सोचने नहीं देते कि अभी अगला चेंज कौन सा है और वो हो पाएगा या नहीं, और ये लाइन कौन सी है, और अभी फ्लाइट पकड़नी है, अभी ट्रेन पकड़नी है, वो आपको उसी क्षण में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, और आई लव दैट थिंग अबाउट हिम।
आई वुड लाइक टू जस्ट ऐड समथिंग. नेहा ने जो अभी बताया कि मकरन जी ने कहा कि हिंदी टू मराठी, सर हिंदी और भी बहुत होता है बट आपके जैसा बिल्कुल नहीं होता. बिकॉज दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. आई रिमेंबर आई जस्ट वॉन्टेड टू एड वन थिंग. मेरा पहला प्ले था सर सर सरला एंड आई वॉज क्वाइट अ टीनेजर एट दैट टाइम एंड आई वॉज वेरी वरीड. मेरा पहला नाटक लाइव म्यूजिक बजाने वाला हूँ एंड मकरन जी के साथ पहला नाटक और स्टेज पे सर राजेंद्र गुप्ता जी, अनुराग कश्यप, सोनाली कुलकर्णी सब लोग स्टेज पे, एक गलत हो गया तो क्या होगा, पूरा वरीड. एंड आई रिमेंबर ही सॉ इट फ्रॉम समवेयर एंड कहीं से तो आए शो के पहले. मैं ऐसे थोड़ा कांप रहा था 15 मिनट पहले जाने के पहले, तो आके मेरे साइड पीछे बैठे और मुझे पूछा क्या हुआ. तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, नाटक पता है ना. मैंने बोला हाँ नाटक तो पूरा पता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा और क्या होगा. मैंने बोला गलत तो नहीं करना है, नहीं कर ले, गलत होगा तो कुछ अलग होगा. तो मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम. मैंने बोला ये खुद ही आके मुझे बोल ले गलत कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं. बोला नो प्रॉब्लम. बट दैट एक्चुअली यू नो हम लोग सब लोगों के लिए एग्जैक्टली वॉट नेहा सेड कि ही जस्ट लेट्स यू बी. I'd like to add to the same thing that he just allows you to experiment. He allows you to explore your character, whatever he has given. कई मतलब जो आप आज भी नाटक देखेंगे और उसकी अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो बहुत फ़र्क है. बिकॉज स्क्रिप्ट एक हमको एक मापदंड रहता है, एक दायरा है कि इसके अंदर प्ले करना है, बट वो बनते 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 कहाँ किरदार और नाटक कहाँ पहुँच जाता है वो हम भी रियलाइज़ नहीं करते हैं. लेकिन वो कर इसलिए पाते हैं क्योंकि मकरन जी वो छूट देते हैं हर एक्टर को कि एक्सप्लोर, गो एंड पुश योरसेल्फ्स एंड ही नेवर लेट्स यू. वो आपके ऊपर कभी बर्डन नहीं रहता है कि शिट यार आप पुश कर रहे हो, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हो, करो गलत. और कभी वो इस चीज़ का एहसास भी नहीं होने देते कि आप गलत कर रहे हो. इट्स जस्ट दैट जस्ट एक्सप्लोर, जस्ट गो ऑल आउट. ये है ही इसके लिए, खेलो इस दायरे के अंदर, ये मैदान है, जस्ट प्ले. एंड देन अल्टीमेटली व्हेन समथिंग डजंट हैपन ही इज देयर, ही विल होल्ड योर हैंड एंड ही विल put it. But the whole thing is that ये नाटक लिखा है और इन्हीं शब्दों से चिपको और यहाँ से हिल के वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ आओ. ये आज तक लाइफ में मकरन जी के साथ हमने कभी नहीं किया. In fact, वो संजय जी बताएं. शायद इसीलिए मकरन जी ने हमेशा अपने लिखे प्ले किए हैं, किसी और के लिखे नाटक को नहीं किया, क्योंकि वहाँ इतनी लिबर्टी नहीं ली जाती. लिखे प्लेस और उनके दो प्ले भी सेम लिखा, नाटक भी जैसे शैलेंद्र ने कहा 6 बजे और 9 बजे का शो भी हमेशा अलग होता है. बिकॉज वो हम सबको उस मोमेंट पे रहने देते हैं. तो जो 6 बजे के शो में व्हाट यू फेल्ट, इट कुड बी दैट यू डोंट फील एग्जैक्टली द सेम थिंग बिकॉज इट्स अ लाइव मीडियम. ऑडियंस कैसे आपके साथ रिएक्ट कर रही है उससे भी कई चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं. तो इतना कोई ज़मीन अंतर नहीं होगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क, बिकॉज हम सब ट्रेंड हैं व्हाटएवर. बट मेरा ये कहना है कि वो कभी भी बांध के नहीं रखते हैं कि अरे ये लाइन तुमने यहाँ नहीं बोली और इस लाइन पे तुम यहाँ क्यों नहीं खड़ी थी, या इस अल्फाज पे तुमने चाय का कप क्यों नहीं उठाया. नथिंग. सो ही लेट्स यू फील एंड देन आई एम श्योर व्हेन यू सी इट यू नो इट्स हाउ फ्री फ्लोइंग एंड देन आई एम वेरी श्योर यू गाइज विल एंजॉय व्हाट यू सी इज वर्क. और सर इस अभी हम लोगों को पिछले 17 साल से इस तरह से काम कंटिन्यूस करके इसकी आदत हो गई है, हम लोगों को स्पॉइल कर दिया है इन्होंने. तो अभी खुद को एक्सप्लोर करने में और खुद को एनरिच करने में इतने हम लोग उलझे हुए थे कि कल ही हम लोग रात को बात कर रहे थे, तो वही बोल रहा था मैं कि डेफिनेट कुछ हो तो वो तो करना ही नहीं है. मतलब जो डेस्टिनेशन पता है कि ये होने वाला है एंड प्रोडक्ट, तो वो तो करना ही नहीं है. एक्सप्लोर करते करते जो बनने वाला है वही. वेरी लेटर स्टेज ऑफ लाइफ यू नो आई हर्ड वन कोट बाय विंसेंट वैन गॉग, जिसमें उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल कहा था कि अ पेंटिंग इज नेवर कम्प्लीट, आई जस्ट स्टॉप पेंटिंग. सो देर इज नो एंड, वो कभी कोई एक डेफिनेट कुछ होता ही नहीं है. सो दैट इज वॉट वी हैव लर्न विद मकरन जी फॉर 17 years. दिस इज टू मच यार. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हियरिंग दिस, somebody is calling me जी 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 एंड आई एम टेलिंग यू दे नेवर कॉल मी जी, दिस इज ऑल फसाड एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ. टीनेजर तो जी बोलेंगे ना सर. हाँ तो टीनेजर है ना. टीनेजर आपने आते ही कहा था कि जैसे आए थे वैसे के वैसे हैं. वैसे इन्होंने बताया सर सर सल्ला में मैं टीनेजर था, इन्हें की आज ही टीनेजर है. बट एक है मेरा कहने का सिर्फ इतना ही, अगर इफ आई एम गैदरिंग व्हाट दे आर सेइंग इज दैट आई एम ऑलवेज अवर्स टू, मुझे लगता है कि कोई चीज़ की ब्लॉकिंग ना की जाए. ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि, और वो भी एक अलग स्कूल है, मुझे लगता है मैं भी सम्मान करता हूँ, आदर है मुझे उस स्कूल का भी, कि
ये पॉज इधर ही जाना चाहिए, ये पॉज बोलने के बाद वाला पॉज नहीं, ये पॉज वहां चाहिए। हो सकता है तभी संगीत आएगा, ये हो सकता है कि वहां पर रोशनी बदलेगी, पर मुझे ऐसा लगा कि एक नाटक वो भी है जो अभी घट रहा है और एक नाटक घटा हुआ फिर से हम कर रहे हैं, लेकिन जो नाटक घट रहा है उसका क्या होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी से नहीं कहूंगा कि इस लाइन के बाद तू बैठ जाओ, इस लाइन के बाद तू खड़ा हो। यहां तक कि लाइट्स के भी अपने क्यूज होते हैं, फिर भी मैं नाटक चलते चलते भी कभी कभी लाइटिंग की क्यूज दे सकता हूँ और कभी कभी लाइटिंग वाला मुझे समझकर लाइटिंग क्यूज बदल देता है। और वो इसलिए है, मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोगों के बीच एक अंडरवर्ल्ड माफिया में एक वर्ड है, टर्म, उसे कहते हैं ओमेर्ता। एक अनसेड लॉ है, साइलेंट लॉ, which everybody understands and they keep in mind. It is a threat as well as it is a way of functioning in underworld. And I carry that something called omerta between me and my cast and my crew. So we know we have to be alert. It's a game we play. But remember, it is a game we play. And so we don't take it lightly. That does not mean that I allow them to play. You can add your lines, but remember, there is a game, it is a game, you know, it is not at the cost of the play, it is not at the cost of the entertainment of the audience. Freedom is not to create unrest, freedom is not to create, disturb your law and order. Freedom is to enjoy your being, and as an actor, if they are there, then they become so alert. और उनके अंदर जो छिपा हुआ होता है ना, और हम हमेशा कहते हैं इतनी रिहर्सल कर ली अब क्या प्रॉब्लम है यार, लेकिन शो में हमेशा कुछ अलग होता है और उसका कारण दर्शक होता है, वो स्टेज होता है, वो मौसम होता है। हम भूल जाते हैं यार ये मौसम की वजह से कुछ हुआ है मुझ में तब्दीली यार, अब मैं अगर ये फ्रीडम दे दूँ तो हो सकता है उस एक्टर का पिच बदल जाए, और उसका पिच बदल दिया तो हो सकता है कुछ और चीज़ें जो टैप हो जाए जिसकी वजह से एक्सप्रेशन बदल जाए, और मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। मैं चाहता हूँ जयपुर में आए हैं, ये 2 बजे का ये सब कुछ हो गया है, इसके बाद शो होने वाला है तो इसके बाद वाला शो, मैं जहाँ शो कर आया हूँ उसके बाद वाला ना हो, क्या बात, बीच क्या में बात? ये दोपहर गुजरी है तो वो दोपहर नज़र आनी चाहिए, वो फ्रीडम बस। क्या बात, दादा ने तो वो बात की थी जैसे हमारे देश में चल रहा है ना मामला टॉलरेंस इनटॉलरेंस का, कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की क्या सीमा है, कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर आप कम से कम इतनी आज़ादी नहीं ले सकते कि आप उसके आज़ादी को गुलाम कर दो। नाटक में भी ऐसा ही है कि ये अपने एक्टर्स को इतनी आज़ादी तो देते हैं कि उस नाटक को और बेटर कर सके, लेकिन उस ट्रैक से बाहर नहीं जाए। ये चालू शो में क्लाइमेक्स चेंज कर देते हैं। क्या बात कर रहे हो, तो ऐसा कोई विशेष एक्सपीरियंस हो तो बताओ ना हमें भी, कि आपको अचानक मालूम पड़ा कि इसका क्लाइमेक्स चेंज हो गया। मुझे तो जब स्टेज पे आवाज दी तब पता लगा, रे नाटक खत्म नहीं हुआ, ये क्या चालू हुआ, और मैं भाग के आया। मैंने बुला लिया, अब क्या करूंगा। कभी-कभी क्या होता है कि आप एक प्लेराइट भी हो तो आपको ऐसा लगता है नाटक यहाँ खत्म नहीं हुआ है, मैं रोज लोगों को जो बता रहा हूँ ये एक्चुअली गलत है। तो एक चालू शो में ऐसा मुझे लगा कि ये तो हो ही नहीं है, अभी कहाँ खत्म हुआ है नाटक, तो ये चला गया तो इसको क्या पता क्या था, मैंने बुला लिया उसको, आ गया अब उसको पता नहीं, उसने भी विश्वास के साथ आ गया, करना क्या है मालूम नहीं, फिर मैं बोलता गया, फिर दूसरे किरदार को भी बुला लिया, फिर वो सीन कर लिया और तब जाके क्लाइमेक्स हुआ गृह लक्ष्मी में। कभी कभी क्या होता है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ता है जीवन को भी, और मुझे हमेशा लगता है नाटक के दौरान जो घटता है वो भी एक जीवन है, बिल्कुल उसको नाटक मत समझो, उसको अगर नाटक समझोगे तो फेल हो जाओ, वो भी जीवन घट रहा है, आप किरदारों के बीच एक जीवन घट रहा है, वो अपने इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ जीवन ही दे रहा है ना। अगर कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, वो बजा रहा है, कोई वो कहीं एग्जॉस्ट ही हो रहा है, तो इसका मतलब है जीवन है। तो आई थिंक दैट इज वॉट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। हमारे बीच में अर्जुन प्रजापति जी पधार चुके हैं,
आप सब इनसे परिचित हैं, पद्मश्री स्कल्पचर बनाने वाले, ये मकरंद भाई का भी एक स्कल्पचर बनाएंगे यहाँ पर। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। अटंगनी साहब, आपके परिवार के अंदर अभिनय की हमेशा से परंपरा रही है, फिर आपने ट्रेनिंग भी ली है जैसा कि मुझे पता लगा, तो परिवार से जो सीखा और जो ट्रेनिंग से सीखा उसका कैसे आपने अपने अभिनय करियर में क्या फ़ायदा मिला? तो परिवार से सीखना, मतलब बहुत से लोगों को ये इम्प्रेशन होता है कि परिवार से हो तो भाई टेबल पर बैठकर हम लोग इसी के बारे में, थिएटर क्या है, बिल्कुल नहीं। जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ हम लोग बहुत ही नॉर्मल सी हमारी फैमिली है। हम लोग सिर्फ क्या है कि माहौल मिलता है। आप मतलब मैं पाँचवीं क्लास में था तब मैं अंधा युग जानता था, पढ़ी हुई नहीं, नाम से। तो अंधा युग या मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे, आप ये नाम जानते या आपको बाद में नहीं पता, ये सिर्फ वो माहौल मिलता है। वो माहौल से आप क्या खींच पाते हो ये आप खुद करोगे। और फिर ट्रेनिंग से क्या होता है, वो वहाँ पर एक फोकस मिलता है आपको। तो आपने जो कुछ भी सुना था, जो कुछ भी आपने शायद बातों बातों में और गुरुओं का, जैसे मकरंद जी का भी, मकरंद जी क्या करते हैं ना, एक एक सेंटेंस में, एक वाक्य में बहुत बहुत बड़ी चीज़ बोल देते हैं जो आपका पूरा, जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो बदल सकती है। और गुरुओं का यही, मतलब घर पे भी अगर बाय चांस, मेरे फादर जिनको मैं अपना फर्स्ट गुरु मानता हूँ, उन्होंने भी एक सेंटेंस में आपको बहुत बहुत सी चीज़ें बोल देना, ये चीज़ें मुझे घर से मिली। और ट्रेनिंग में बस क्या हुआ, माहौल अलग किस्म का मिला। दूसरे स्टेट से बच्चे जो आए थे मेरे दोस्त, तो वहाँ से भाई इसके बारे में आपने सुना, इसके बारे में सुना, फिर तो वहाँ से आप बस कलेक्ट करते गए और आप बढ़ते चले गए बस। तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक है। मकरंद भाई, आपके अभिनेता की कहानी सुनी, आपके लेखक की कहानी सुनी, लेखक और निर्देशक की जंग की कहानी सुनी कि आप क्लाइमेक्स बदल देते हैं। अब उसके बाद आता है निर्माता, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर आप कब बने, प्रोड्यूसर बनने के बाद क्या परिवर्तन आया? वो अभिनेता, वो लेखक और निर्देशक, उसने कितना प्रोड्यूसर को परेशान किया? प्रोड्यूसर का क्या होता है कि उसने एक देखना होता है कि भैया ये नाटक जो शुरू कर रहे हो आप, इसका मंचन भी होगा, ये काम प्रोड्यूसर का होता है। और मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मैं शो के बाद जो होता है ना, वो भी मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, रिहर्सल भी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा, मेरी समझ में ये आया है कि एक्चुअली आई एम अ मोर ऑफ अ प्रोड्यूसर इन लाइफ ओनली। नाटक तो भाई एक हिस्सा है। अगर आप मुझसे कहोगे कि इधर आना है, तो मैं पहले देखूंगा मेरे लोग कहाँ से आ रहे हैं, भाई गाड़ी वाड़ी ठीक है, खाना वाना ठीक है, कमरा में लेकर के इनके कमरे के लिए इनके नाम लिख के मैं खुद ही आया हूँ, ताकि इतना हो, वो एज अ पर्सन हूँ, मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है टू टेक केयर, टू सेलिब्रेट, टू हैव अ जॉयस टाइम, टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विच कैन फ्लरिश। सो वो मुझे लगता है दैट इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग। यू हैव टू प्रोड्यूस ग्रेट कॉन्वर्सेशन ऑल्सो, यू कैनॉट जस्ट हैव प्रोड्यूसिंग अ प्ले, आई नीड टू प्रोड्यूस अ ग्रेट आफ्टरनून ऑल्सो। अगर आप लोगों ने यहाँ पर शाम दोपहर रखी है, तो मैं ये नहीं करूँगा मेरा अभी नाटक है यार कि दोपहर का क्या करो, छोड़ो यार, शाम होगी तब देखा जाएगा, नाटक भी होगा, लेकिन अभी दोपहर है, मैं इतनी आप लोगों ने रखी है, इसको कैसे किया जाए और कम मज़ेदार कैसे हो जाए, वो ध्यान दिया जाएगा। तो मुझे लगता है एज अ प्रोड्यूसर आई वॉज ऑलवेज देयर, एंड इफ इट इज़ अबाउट मनी, आई फील फॉर दैट आई यूज़ टू ऑलवेज एक्ट इन टेलीविजन एंड इवन नाउ वॉट एवर। सी इट इज़ ओनली अबाउट मनी, बट आई थिंक ह्यूमन प्रोड्यूस, ह्यूमन कनेक्ट, आई थिंक दैट इज़ बीन द बेस्ट थिंग फॉर मी, एंड I don't think I am more than that at all. And I see to it that I can create resources for any given time. If I want to do a play, I will never wait ki mere paas paisa nahi. Agar mujhe natak karna hai, to natak ho jata. So
तो मेरे ख्याल से अगेन द सेम थिंग, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर इन द सेंस ऑफ, आज भी मैं कई ऐसे निर्णय होते हैं दीपक से मैं कह देता हूँ या तुमसे कि संजू से बात करूँ, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा प्रोड्यूसर तो संजू है. ही मे हैव द क्वालिटीज के सर इतना खर्चा है आप क्या कुछ बोलो तो सही. ये वो प्रोड्यूसर है जिनको बजट के बारे में कुछ नहीं पता. ही लव टू स्पेंड. तो ऐसा कुछ नहीं है कि लो इतना ही बजट है इतने में करना है, नहीं खर्च करो. मकरंद भाई आपने फिल्मों में भी काम किया है और पहली बार का एक किस्सा मैं आपको बयान करता हूँ. हमारे साथ जो हमने पहली बार जब आपको बुलाया तो मैं बहुत टेंशन में था क्योंकि मैं बैक स्टेज वगैरह सब कुछ संभालता हूँ, तो आपकी कोई प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं आई थी. मेरे दिमाग में आपकी फिल्मी इमेज थी जिसमें आपने नेगेटिव करेक्टर ज़्यादा की. मैंने कहा दीपक भाई आपने इनको बुला तो लिया, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, इन टाइम में कुछ कहेंगे मेरे प्राण निकल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी बहुत. लेकिन एक दिन पहले आप आए शाम को और जो मंच पे सामान अवेलेबल था उससे आपने जो बेहतरीन सेट बनाया तो वो इमेज टूटी मेरे दिमाग से जो फिल्मों की थी. तो क्या ये एक्सपीरियंस आपके जीवन में रहा कि आप जब आपने थिएटर पे एक्टिंग करी तो फिल्मों की इमेज जो थी आपकी एक्टिंग की उसका कुछ उसमें फ़र्क पड़ा? लोगों के दिमाग में कुछ नेगेटिव इमेज थी आपके, वहाँ देखा तो आप आदमी बिल्कुल डिफरेंट है. ये तो कमाल की बात है कि लोग हमेशा से सोचते हैं कि मुझे मिलने के थोड़ा सा डरते हैं. ये तो एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, ये तो कमाल की बात है. देखो ये तो देखने वाली बात है, ठीक है मेरा शहर ऐसे है, बाल है लंबे वगैरह जो भी है, कैसा आदमी है. तो एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपकी कुंडली में लिखा हुआ है. मैंने कहा क्या लिखा हुआ है? तो कहता है लोगों को हमेशा से लगेगा इससे दूर ही रहे तो बेटर है, लेकिन जो एक बार आपसे मिल लेगा वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं. तो ये कुंडली का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है ना. तो ये बात अलग होती है. पर जहाँ तक आपके यहाँ आया और करना, मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ आया हूँ नाटक करने के लिए आया हूँ ना. कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है और अगर नाटक ही करना है तो कुछ चीज़ें कम हो उससे नाटक नहीं होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता. अगर मान लेते हैं एक्टर नहीं है, मैंने तो ऐसे भी नाटक किया है जब एक्टर नहीं था तो भी नाटक किया. तो सेट तो नहीं 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 वो अलग बात थी. पर कहने की बात यह है कि यहाँ मैं नाटक करने आया हूँ, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है तो उससे क्या हुआ. मुझे ऐसा लग रहा है जब तक लोगों ने देखा नहीं है तो उनको कहाँ पता है. आपको पता है कि नहीं है? मुझे पता है नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता ना. तो खूबी तो यही रहेगी कि आपको ना पता चले, बाद में आप आज बोल रहे हो तब मुझे याद आ रहा है अच्छा नहीं था. बाकी हमारा जैसे टेडी मौर्या है नहीं, कमाल का है वो भी, जादूगर है वो सेट वाला हमारा, मतलब डिज़ाइनर और पोशाक, मतलब वो तो बहुत कुछ है. पर आज आई विश ही हैड कम बट ही वाज ऑन अ फिल्म सेट. ये सब लोग यहीं से बहुत सी चीज़ें करने लगे हैं. बट एनीवे आई थिंक यू ऑल आर टायर्ड. अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया है तो खाना मेरे ख्याल से दिखा भी नहीं दे रहा. तो दिख रहा है सामने चालू है सर. तो अभी और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज. बस आखिरी बात करनी थी कि ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई नाटक जो आप करना चाहते थे और अब तक नहीं कर पाए. हाँ एक ज़रूर नाटक मैं करना चाह रहा हूँ, वो है म्यूजिकल प्ले, जो हम कहना चाह रहे हैं कि मतलब हमने लिखा हुआ और एक्टर्स सिर्फ गाएंगे नहीं बल्कि उसमें नृत्य होगा, बड़े स्केल पे होगा प्रोडक्शन. तो वो करना चाह रहा हूँ और उस पर काम चल भी रहा है कि अभी फर्स्ट हाफ मैं लिख चुका हूँ और होपफुली इस साल में मैं अगर लिख दूँ और फिर ये कंपोजिशन करते करते आई थिंक ही नीड अनदर 6 months फॉर दैट. पर अगले साल हो सकता है कि वो म्यूज़िकल प्ले जो करना था वो होगा, और ज़रूर वो होगा तो मैं ज़रूर यहाँ आऊँगा. क्या और जयरंगम में ज़रूर बोला. अब क्या कभी मकरंद देशपांडे जैसा लेखक, मकरंद देशपांडे जैसे एक्टर पे कोई नाटक लिखेगा? मैं नहीं मानता मैं एक्टर हूँ. मैं अपने आप को सिर्फ इतना ही जहाँ तक जानता हूँ कि जीवन के करीब रहकर उसकी मुक्तता का आनंद लो. अगर वो मैं कर सकूँ तो वो है ना कि भैया मैं जीता हूँ अपने बागीचे के बागीचे में गुलमोहर के तले, और अगर मरूँगा तो भी वो पड़ोसियों के गलियों में
गुलमोहर के लिए। क्या बात। तो चलिए इसको समापन की ओर ले चलते हैं। जैसे भी इन्होंने एक नाटक की याद दिलाई अंधा युग की, उसमें एक डायलॉग है जो आप सबके ऊपर बहुत ज़्यादा सटीक बैठता है क्योंकि तो कर्म को लेकर कहा गया है। उसके साथ ही अपन इसका समापन करेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, जब भी कोई व्यक्ति अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, तो नक्षत्रों की दिशाएं बदल जाया करती हैं। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, इसे मानव निर्णय हर क्षण बनाता है मिटाता है। चलिए आज का इसका समापन यहीं पे करते हैं। और इन्होंने खाना नहीं खाया, वो खाना खाएं। 4 बजे हम आपको प्ले दिखाएंगे सारी रात मिनी थिएटर के अंदर। 5:30 से 6:30 बजे यहाँ पे जयरंगम जोश में एक हमारे नॉर्थ ईस्ट बैंड वाले आए हुए हैं, बहुत शानदार आपको यहाँ प्रस्तुति देखने को मिलेगी। और 6:30 बजे आप आमंत्रित हैं सब नाटक चौक के लिए। थैंक यू वेरी मच।